डर वाला दे दिया था। ये खाना चिनारी खाना और सागर खाना जो पूर्व के डकैत लुटेरे हैं उन पर रैंडम गिरफ्तारी छापामारी का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में देखा जब ये लोग रोड से गुजर रहे थे हमारी टीम, तो देखा कि एक टवेरा गाड़ी से कुछ अपराध करने टाइप के लोग बैठे हुए हैं जिनकी गतिविधि कुछ संदिग्ध पाई गई। तो एकदम इन लोगों ने टवेरा गाड़ी को चेक करने का प्रयास किया, नहीं रोका तो बाइक फोर्स कुछ प्रयोग करते हुए उस गाड़ी को रोका गया। गाड़ी को रोकने में पाया गया कि उसके अंदर एक आदमी है जो चिल्ला रहे हैं, उनको मारपीट भी किया गया था कि हमारा अपहरण करके ले जा रहा है। तुरंत पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें 5 अपराधकर्मी मिले जिनका नाम संजय यादव पूर्वी नवादा आरा का है, अविनाश कुमार, विक्की कुमार, विवेक कुमार, तरुण चौधरी, ये सभी आरा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इन लोगों के द्वारा एक विद्यानंद प्रसाद जो शिलांग में रहकर अपना कारोबार करते हैं और अपने घर आए हुए थे 10-12 दिन पहले, इनका अपहरण करके ले जा रहे थे। तो उनके अब पुलिस के द्वारा इनको बरामद किया गया सुरक्षित। और कल शाम का इनका इनके घर के बाहर जब ये सब्जी लेने गए थे तो उसी दौरान टवेरा गाड़ी से आरा शहर से अपहरण किया गया था। तो 6 घंटे इनके पास से 9mm का पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, टवेरा गाड़ी और कुछ कैश बरामद किया गया है। ये जैसा कि अपहृत के द्वारा बताया जा रहा है कि इनका पूर्व में संजय यादव से जान पहचान थी, क्योंकि संजय यादव आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, तो उसी में उनके घर में इनकी लड़की को पढ़ाता था, उसको हटा दिया था कई वर्षों पूर्व, तो उसी की कुछ कारण से ये घटना किया है। ताकि ये लोग फिरौती मांग सकते थे, जान पहचान थी, कोई घटना गंभीर घटना भी ये लोग कर सकते थे। तो अपहृत के द्वारा बताया गया है कि मिली फिरौती के लिए ही ये लोग उनको लेके जा रहे थे, फिरौती मांगने के बाद हो सकता है इनको जान से भी मार सकते थे। तो इनके बयान पर हम लोग FIR दर्ज करके आगे की जांच। भोजपुर पुलिस नहीं, भोजपुर पुलिस को